गाइस आज हम लोग निकल रहे हैं लेन की तरफ। तो गाइस हम लोग अभी इब्ने बतूता मॉल आ गए हैं, लेन की तरफ। तो गाइस आज हम लोग निकल रहे हैं लेन की तरफ। तो पहले हम लोग जाएंगे इब्ने बतूता मॉल और अभी हम लोग अपने अपार्टमेंट की बिल्कुल रूफ पे हैं जहाँ पे पूल और जिम होता है। वैसे तो ज़्यादातर बिल्डिंग्स में पूल और जिम ही है यहाँ पे, बट व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग को ये वाली बिल्डिंग बहुत बड़ी लग रही थी, अब ये बहुत ज़्यादा छोटी लग रही है, जो हम लोग बहुत ऊपर हैं। 32। गाइज़ हम लोग अभी इब्ने बतूता मॉल आ गए हैं और आप ये देखो, मैं दिखाता हूँ, बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छा मॉल है यार ये भी। चलो ना, तो चले जाओ, कुछ खा लेते ना फिर चले जाना। यहाँ चलेंगे, यहाँ देखो, यहाँ चलेंगे, खा कर बहुत दिन बाद पकौड़ियाँ खाई हैं और जलेबी, पकौड़ी, शिकंजी, नींबू पानी भाई, यहाँ तो जीरा मन भी है। और हम लोगों ने यहाँ ताज़ा भी ऑर्डर किया है, बहुत अच्छा है भाई, मतलब यहाँ का ये बेस्ट KFC है। बहुत अच्छा टेस्ट है, पकौड़ियाँ खा के तो मज़ा ही आएगा। चटनी तो एक नंबर हो रही, इतनी वाव चटनी बनाई यार, है ना, सो वाव। एक आलू वाली पकौड़ी से बेकी आई थी, वो पूरी एक खा गई मुझे, वो तो बेहतरीन थी रामेश, दैट वाज एक ही आई थी, हां एक ही आई थी, उसमें से हम दोनों ने आधा आधा खाया। हां एक घूट को आधा आधा बोल दिए, घूट लिया उन्होंने, मतलब वो एक बाइट। गाइस ये हम लोग का कबाब, ये इसके अंदर ये बकेट ऐसी आती है यहाँ पे KFC में, ये भाई यहाँ का अरेबिक बन कहते हैं इसे, ये सैलेड आता है और ये बहुत बढ़िया है, मोहम्मद टाइप का ही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दूंगा मैं आपको, रखे देना, मैं स्नैप ले रहा हूं। स्नैप ले रहे हैं ना, स्नैप वाले लोग हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग स्नैप लोग नहीं, आपको पूरे लेता हूं। ये इब्ने बतूता मॉल बढ़िया है, ये देखो थोड़ा सा और, ये जैसे ही रात होती जाएगी ना तो ये वो होता जाए, थोड़ा सा लाइट होता जाएगा और इसकी हल्की सी ये जो लाइट्स है ना, ये थोड़ा सा आपको स्टार्स का भी इफेक्ट देती है। यहाँ पे भी मैक्स है भाई, ऐसा लग रहा है कोई अलग ही गली घूम रहा हो, मतलब इतना वो नहीं है, मतलब रियल टाइप का लग रहा है। अगर आप ऐसे घूमोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा आप कहीं इटली साइड या कहीं घूम रहे हो, इजिप्ट में। ये देखो यहाँ स्टोर बहुत महंगे हैं भाई, बट तो गाइस हम लोग अब निकल चुके हैं अलेन की तरफ और अलेन की भी रोड बहुत अच्छी है और अलेन बहुत ज़्यादा फेमस है। देखो एक तो अपना जो ज़ू है वहाँ पे, एक उसके लिए फेमस है, वैसे हम लोग तो ज़ू देखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग एक वहाँ पे एक हिल है वो उसके नीचे क्या है, वाटर बहता है जो जिससे आपके पैर का दर्द चला जाता है बोलते हैं, वैसे तो वो गर्म पानी रहता है ना तो उसकी वजह से चले जाता हुआ उनका, बट वैसे बहुत फेमस है वो, बहुत सारे लोग वहाँ बारबेक्यू के लिए जाते हैं, जैसे दुबई वाले जो लोग हैं वहाँ बारबेक्यू के लिए जाते हैं अलेन में और नीचे अपना बारबेक्यू करते हैं, देन ऊपर थोड़ा बहुत प्ले एरिया है वहाँ पे बच्चों के लिए तो वहाँ पे घुमा के आते हैं। मैं आपको बताता हूँ अलेन आपने किस मूवी में देखा होगा, Race 1 में जो एंड की जो रेस होती है ना, वो जो दोनों ड्रिफ्ट करके आई गैस एक पहाड़ से नीचे लाते हैं, वो है अलेन और वो ही रोड है, तो मैं आपको वो रोड भी दिखाऊंगा, है ना। और वहाँ की जो जब आप जा रहे हो तो हाईवे भी बहुत अच्छा है, आप देखो हाईवे बहुत प्यारा हाईवे बना हुआ है और यहाँ पे देखो यार चलाने में अच्छा भी लगता है भाई। आप लोगों ने शायद ये रोड पहले भी बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी, क्योंकि वो सऊदी वाली वो वीडियोस देखी हैं, वो 220 पे ले जाता है अपनी गाड़ी और फिर उसके बाद यूं यूं आगे टायर्स के निशान भी आपको दिखाता हूँ मैं,
वैसे तो बहुत सारे टायर्स के निशान होंगे, अब तो यहाँ पे कैमरे लग गए हैं, ये देखो थोड़े बहुत, ये जा रहा है, ये देखो आप, बढ़िया तीन चार बार घूम चुकी है मतलब यहाँ पे गाड़ी, यही लोग खड़े होते हैं जगह। गाइस हम लोग यहाँ रुके हैं अब चाय वाय पीने, अलेन के रास्ते में हम लोग, और बढ़िया कैफेटेरिया मिल गया था तो हम लोग ने कहा रोक लें, आगे मिलेगा नहीं आई गेस, वैसे तो मिल जाएगा पेट्रोल पंप्स पे होते हैं ज़्यादातर, पर वहाँ बर्गर किंग और ये सब होता है तो वहाँ की चाय तो नहीं, यहाँ पे ही पीनी थी, बिकॉज जो यहाँ के जो लोकल कैफेटेरियाज हैं उनकी चाय ज़्यादा बढ़िया है, जो कड़क देते हैं बिल्कुल राजू टी स्टॉल टाइप्स, और वही चाहिए थी अपन को। इस कैफेटेरिया पे हम लोगों ने चाय ली। मोटू, ओ मोटू, नींद आ रही है? स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ गाइस। ये लोग इसलिए पी रहे हैं क्योंकि इनकी हेल्थ नहीं है। यहाँ पे अपन लोग लौंडे लौंडे आते जैसे विजय विजय और सब लोग, तो मज़ा आ जाता, और हैं क्या लौंडों के साथ बाई रोड में जाने में ज़्यादा मज़ा आता भाई, पेट्रोल पुरानी वाली सिर्फ मज़ा ही आता, लौंडे लौंडे होते और कुछ कर नहीं पाते, फिर मार दी उसने भाई गाड़ी, मार दी यार। अरे वो कुछ भगा हुआ होता रोड पर, ये थे यार इन्हीं के बहाने उतरा तो तुमने पूरी फूट डाली। ये देखो कुबड़ा, ये हमारे टीम का कुबड़ा, टेढ़ा चलता है बस, ये जाके इसे या तो फ़ोन चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, या सीट चाहिए कोई, या टॉयलेट चाहिए। कितना शानदार व्यू है यार सही में, हाँ वो फास्ट एंड फ्यूरियस में वो जो गाड़ियाँ निकली थी ना, वो यहीं से निकली हैं, साइड वाली वो जो रोड जा रही है ना, पूरी रेत के बीच में से है वो रोड, अब तो ये नया हाईवे बन गया है ना, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट देख। भाई ये है जबल हफीद, हम लोग हैं अलेन में, और ये जबल हफीद का रोड है, और ये जबल हफीद जो है माउंटेन है, हम लोग वहाँ से अंदर जाएंगे फिर वहाँ निकलेंगे, ऊपर जो है वहाँ पे वो रेस थ्री का जो शूटिंग हुआ था वो भी मैं रोड आपको दिखाऊंगा। अरे बहुत सेक्सी रोड है यार, बहुत ही सेक्सी, और ऊपर भी मतलब बच्चों के प्ले एरिया है, और नीचे वो पानी है वहाँ पे पैर डुबाएंगे भाई अपन, नहीं पैर में दर्द दे रहा है ना। कहाँ सीधा? गाइस ये है रोड जबल हफीद, और बहुत ही शानदार व्यू आ रहा होगा, पूरा माउंटेन है, पूरा माउंटेन है ये। कहाँ सीधा? गाइज ये है रोड जबल हफीद, और बहुत ही शानदार व्यू आ रहा होगा, पूरा माउंटेन है, पूरा माउंटेन है ये। चलो गाइज तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, ये हम लोगों ने जस्ट अभी एंटर किया है वो माउंटेन जबल हफीद, और वेलकम टू जबल हफीद लिखा आ गया भाई, तो आ ही गए। तो गाइज़ ये रोड याद आई, वो ऊपर से देखते हैं कि भाई ये दोनों सैफ अली खान और अक्षय खन्ना यहाँ पे बाइक वाइक चला रहे होते हैं, फिर रास में यहाँ पे रेस होती है, ये वही रोड है, और बहुत ही प्यारी बनी हुई है ये रोड, तो प्यारी शब्द ज़्यादा यूज़ हो रहा है मेरे मुंह से हैं, एक तो ज़्यादा ही प्यारी चीज़ें हैं यहाँ, अब कुछ और यूज़ करूँगा, ब्यूटिफुल। तो क्या ऊपर पहुंच चुके हैं, तो मैं यहाँ पे आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया व्यू है, देखो
गाइस ये हम लोग पहुंच चुके हैं, ये यहाँ का ये देखो, हम लोग ऊपर गए थे, पूरे ऊपर तक गए थे। और ये देखो यहाँ से स्प्रिंग वाटर पूरा आता है, यहाँ पे लोग बारबेक्यू मनाते हैं बढ़िया, और यहाँ दुबई में से यहाँ लेके आते हैं, और यहाँ पे बढ़िया इंसान पानी में अपने पैर वैर डाल के बैठता है, सिर्फ सही में पैर का दर्द ख़त्म ही हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म। अब बोलते तो ऐसे ही हैं, पता है नहीं मेरे को भी, मैंने तो पहले डाला था जब मेरे को तो लगा था हल्का सा। पूरा देखो ये माउंटेन से पूरा पानी बहता हुआ आ रहा है नीचे, और ये यहाँ आ जाता है, आगे भी है यहाँ पे भी है। ये सब लेट गए बढ़िया, ये हमारे एदिन भाई साहब मस्ती करते हुए बढ़िया। मैं लेट चूंगी, मैं सोच रहा हूँ कपड़े खुद पूरा लेट जाता हूँ, शायद पूरे शरीर के दर्द चले जाएगा। इधर नहीं, कम हियर। तो गाइस हम वापस अब दुबई के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि हमने जो गाड़ी ली थी वो वापस करनी है, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे गाड़ी रेंट करते हैं यहाँ पे, और कैसे क्या क्या डिपॉजिट लगता है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास जिससे आपको गाड़ी मिलेगी। तो गाइज़ अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग निकल रहे हैं, और ये देखो गाइज़, ओहो यहाँ हम लोग ऊपर तक हो गया है, बिल्कुल टॉप पे। और अब आप देखो, हम लोग आपको बताएंगे, हम लोग निकल रहे हैं दुबई के लिए, हम लोग को क्या है गाड़ी वापस करनी है, कल की हम लोग की फ़्लाइट है यहाँ से वापस, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या क्या डिपॉजिट क्या क्या पेपर्स आपको चाहिए एक गाड़ी रेंट करने के लिए। तो गाइज़ मैं आप लोग को बता रहा था ना कि कैसे आप रेंट अक्वायरी यहाँ पे दुबई में आराम से कर सकते हो, जैसे ये एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं यहाँ पे, देखो सारे आपको ये, जैसे ये सब है हर्ट्स है और ये सिक्सेट है, और ये सब तो आपको यूरोप और इन सब पे मिलेगी, जैसे डॉलर भी आपको यूरोप पे मिलेगी। तो भाई हम लोग अभी आशिक भाई के पास हैं, ये डॉलर में ही काम करते हैं, तो इन्हीं के थ्रू हमने गाड़ी रेंट किया था। तो भाई किसी को अगर जैसे कोई व्हीकल रेंट करना हो तो उसके लिए मतलब अपन को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं? हाँ, अगर कोई यहाँ पे नहीं रहता है तो या ओके दैट्स इट ना, एंड डिपॉजिट कुछ ओके, मतलब डिपॉजिट 1000 दिरहम्स होता है एंड देन कार का रेंटल हो जाता है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में IDP और आपका पासपोर्ट यही चाहिए होता है ना, और कुछ तो नहीं? चलिए ओके ओके आशिक भाई, नाइस टू मीट यू। या चलिए तो हम लोग गाइज निकलते हैं यहाँ से, और अब हम वेट करेंगे मेरे रिलेटिव्स का कि वो यहाँ पे आए, तो हम लोग पिकअप कर लेंगे वो लोग, जब तक सिगरेट विगरेट पी लें है ना गाइज। चलिए कल वैसे भी यहीं आना है, तो अभी से ही वेट कर रहे हैं हम।